न्यूज 24x7 इंटरटेनमेंट के अपने दर्शकों का मैं गौहर हयात अपने दोस्त आशीष के साथ इस खबरों के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और इस हम हाजिर हैं इस वक्त की खास खबरें लेकर। और सबसे पहली खबर जो हम आपको देंगे वो ईडी की तरफ से है। ईडी ने लगातार कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। अभी कल ही रॉबर्ट वाड्रा से लगातार 5 घंटे चली 40 सवालों के मुश्तमिल पूछताछ के बाद आज फिर ईडी ने उनको अपने कार्यालय बुलाया था और अभी खबर आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है ईडी के कार्यालय तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आईएनएक्स मामले में कार्ति चिदम्बरम जो पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं उनकी भी आज ईडी के सामने पेशी हुई है। आशीष इसके बारे में कुछ तफसील बताइए। देखिए कल जो लगातार 5 घंटे 6 घंटे की जो पूछताछ हुई रॉबर्ट वाड्रा की वो कल मीडिया के सुर्खियों में था और सत्ता के गलियारों में भी चर्चा का खास विषय था, क्योंकि विपक्ष जहां ये मान रहा है कि ये कहीं ना कहीं चुनावी जो है रणनीति के तहत केंद्र सरकार कांग्रेस को परेशान कर रही है, राहुल गांधी के जो बहनोई हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाना, इस मामले में ममता बनर्जी का स्पष्ट आया बयान आया है कि वो पूरा विपक्ष जो है वो रॉबर्ट वाड्रा के मामले में साथ खड़ा है। पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के मामले में इस तरीके की बयानबाजी सामने आई है। विपक्ष के विपक्ष का एक धड़े का नेतृत्व जो ममता बनर्जी करती है, पहली बार ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ है। तो इस मामले में ये एक बहुत बड़ा वो था। दूसरी चीज की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने की और जिस तरीके से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि रोड छाप से किस तरीके से करोड़पति हो गया और बहुत सारे उन्होंने बातें कही, इसके जवाब में जो कांग्रेस का जो पलटवार जो संजय सिंह ने किया वो भी काफी मतलब उस तरीके का आपत्तिजनक भी कहा जा सकता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब की बार रॉबर्ट वाड्रा पेश हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ईडी के सामने नरेंद्र मोदी की भी पेशी होगी। और पोस्टर विवाद पे भी बहुत सारा बवाल मचा जिसमें संजय सिंह ने साफ कहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी की फोटो अपने साथ क्यों नहीं लगाते, क्योंकि कल जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के आसपास जो पोस्टर लगाए गए थे जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, नवनियुक्त जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की फोटो लगी थी, बाद में बहुत जब हो हल्ला हुआ मीडिया में तो उन पोस्टर्स को हटा लिया गया। तो कुल मिलाकर कल की पूछताछ में जो रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कर दिया कि संजय भंडारी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा जो मामला उन्होंने उनसे सवाल किया गया वो 12 ब्रायस्टन स्ट्रीट स्थित उनके एक संपत्ति के बारे में ईडी ने उनसे सवाल किया कि अगर लंदन में स्थित ये संपत्ति उनकी नहीं है तो उसके रिनोवेशन और उसके फ्लोर प्लान से संबंधित जो भी ईमेल्स हैं वो रॉबर्ट वाड्रा को क्यों भेजे गए और साथ ही उसकी कॉपी संजय भंडारी को भी क्यों भेजी गई। तो इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कहा है कि किसी भी प्रकार के संपत्ति से घोषित अघोषित तरीके से उनका संबंध नहीं है। इसी मामले में आगे और भी ईडी पूछताछ करने के लिए आज वहां पहुंचे हैं, ईडी से पूछताछ होगी, जो भी खुलासा होगा उसके बारे में आपको फिर बताएंगे तफसील से। आगे चलते हैं गौहर के साथ। दूसरी खबर जो आशीष हमारे पास है अपने दर्शकों को देने के लिए वो बिहार शेल्टर होम केस जो था जो पिछले साल बहुत चर्चित हुआ कि कम उम्र की बच्चियों के साथ शेल्टर होम में दुराचार के का जो टिस्क का रिपोर्ट था उस पर FIR दर्ज किया गया और उसके बाद उस प्रकरण में बिहार की सहकारिता मंत्री मंजू वर्मा को भी इस्तीफा देना पड़ा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा इस मामले में आरोपी हैं। इस मामले में ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कम से कम बच्चियों को तो बख्श दीजिए। और हम जानते हैं कि वहाँ हम सरकार चलाते नहीं हैं लेकिन सरकार कैसी चलनी चाहिए ये हम ज़रूर जानते हैं। और इतनी कड़ी टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को साकेत के पॉक्सो कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये पहली कड़ी टिप्पणी नहीं है, इसके पहले भी जब मंजू वर्मा जब सरेंडर नहीं कर रही थी, फरार थी और आर्म्स जो इनलीगल आर्म्स एक्ट के मामले में उनके पति चंद्रशेखर वर्मा और मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा था कि बिहार में आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने DGP और मुख्य सचिव को अपने यहाँ तलब किया था, उन्होंने कहा था कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, उसके बावजूद इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और मंजू वर्मा ने आखिरकार
खुद से आके सरेंडर किया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और जिस तरीके से ये ब्रजेश ठाकुर का जो नेक्सस है इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से प्रभात कमल जो उसका जो मुख्य समाचार पत्र है और उसी कैंपस में ये जो शेल्टर होम चल रहा था, तो इस मामले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि को भी बहुत बड़ा डेंट पहुंचा। नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में आए और उन्हें, खैर नीतीश कुमार ने तुरंत ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि जिस तरीके से ब्रजेश ठाकुर उनके समाज कल्याण विभाग में अधिकारियों से मिलकर जो पैसा इस मामले में जो वसूलता था और खिलाता पिलाता था, रिश्वत वाला जो मामला था वो कुल मिलाकर बड़ा ही संदेहास्पद था। मैं अभी उन एसएसपी महोदया का मैं नाम हरप्रीत कौर, उन्होंने जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस मामले में और जांच जिनकी निगरानी में हुई, बहुत पारदर्शी तरीके से उन्होंने इसको मामले को खोला। और ये मामला इस तरीके का है कि आप ये समझिए कि बच्चियों को ये ले जाया जाता था, उनको ड्रग्स दिया जाता था, उनको नशीली दवाएं दी जाती थी, इसमें ब्यूरोक्रेट्स अफसर ये सारे लोग शामिल थे जो उनका यौन शोषण किया करते थे। इस मामले की जांच लंबी था क्योंकि ब्रजेश ठाकुर इतना मजबूत वो सशक्त था कि सुप्रीम कोर्ट को उसे पंजाब जेल में ट्रांसफर करना पड़ा। आप ये देखेंगे बिहार के कई ऐसे बाहुबली हैं, कई ऐसे इस तरीके के नेक्सस में रहे, जैसे आप देखिए शहाबुद्दीन को देखिए, जैसे आप देखिए पप्पू यादव को देखिए, जिनको तिहाड़ जेल जिनको ट्रांसफर करना पड़ा, शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल ट्रांसफर करना पड़ा, ब्रजेश ठाकुर को पंजाब ट्रांसफर करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर ये बताता है कि बिहार का जो शासन प्रशासन जो प्रणाली है वो जेल में भी वो अपना नेक्सस उसी तरीके से रन कर सकते हैं। इस मामले में कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। जी बिल्कुल, लालू यादव की जिस पूर्ववर्ती सरकार को जंगल राज कहकर नीतीश कुमार मुखातिब किया करते थे, आज उनके खुद के शासन पर महाजंगल राज होने के भी आरोप लग रहे हैं। और अभी तक की महत्वपूर्ण खबरों के इस सिलसिले में जो आज का इस सभा की हमारी आखिरी खबर है वो भी बिहार से संबंधित है। और बिहार में राजद के नेता तेजस्वी यादव ने अपने एक ब्लॉग लिखकर गरीब सवर्ण आरक्षण पर अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा है कि हम 10% गरीब सवर्ण आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसको लागू करने के तौर तरीकों का हम ज़रूर विरोध करते हैं। अपनी बात को विस्तार देते हुए तेजस्वी यादव ने यह लिखा है कि 1931 में तकरीबन आज से 88 साल पहले हुए जातिगत जनगणना के आधार पर, जबकि जिसमें ओबीसी की संख्या 52% बताई गई थी, उसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण देने का प्रस्ताव जो है वो 1978 में आया और घोषणा 1990 में हुई तथा उसको लागू 1993 में किया गया। और वही 27% आरक्षण उच्च शिक्षा में देते देते 2008 का साल आ गया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि 46 साल बाद जो है वो उच्च शिक्षा में आरक्षण मिला और आज़ादी के 28 साल बाद उनको नौकरियों में आरक्षण मिला। तो उनका ये कहना था, मुख्यतः तेजस्वी यादव ये कहना चाह रहे थे कि ये देखा जाना चाहिए कि जब ओबीसी आरक्षण की बात आई थी तो 78 में जब आयोग बना तो 90 में जाकर घोषणा हुई आरक्षण देने की, 93 में फाइनली आरक्षण लागू हुआ और वही आरक्षण जब उस शिक्षा में देने की बारी आई तो ये साल 2008 आ गया था। और जब 10% सवर्णों के आरक्षण के देने का सवाल देश के सामने आया तो बीजेपी सरकार के पास न तो किसी सर्वे की रिपोर्ट थी, न जातिगत जनगणना की कोई रिपोर्ट थी और न ही किसी आयोग की संस्तुति थी। बावजूद इसको आनन फानन में ये प्रस्ताव न सिर्फ लाया गया बल्कि 72 घंटे के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित करा दिया गया। तो तेजस्वी यादव का जो मुख्य विरोध है वो इस ब्लॉग में इसी पर उभर कर सामने आया है कि अन्य वर्गों के आरक्षण को लेकर सरकार या सिस्टम उतने सजग नहीं है जितना कि इस 10% सवर्ण आरक्षण को लेकर हैं। तो ये सरकार की जो जाति विरोधी मानसिकता है ये उसको भी दर्शाता है। नहीं, इसमें एक और चीज़ है, इसमें विपक्षी पार्टियां भी तो इसको पास कराने में शामिल हैं, जो आज जिनके साथ ये गठबंधन करने जा रहे हैं कांग्रेस के साथ, वो भी तो इसको पास कराने में शामिल हैं। इसको सिर्फ आप सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर है तो ये मतलब थोड़ा वो है क्योंकि इसमें विपक्ष की भी उतनी सहमति थी। देखिए, यहाँ आशीष हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये 10% सामान्य जन को आरक्षण, बेसिकली ये 10% सवर्णों का आरक्षण नहीं है, ये आरक्षण से वंचित जो सामान्य वर्ग है
उस 10% सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इस पर भी तेजस्वी यादव ने कटु आलोचना करते हुए ये कहा कि बताइए कि 8 लाख रुपया जिनकी सालाना आमदनी हो, यानी कि 66,000 रुपया तकरीबन जो महाना कमा रहे हैं, और अगर 8 लाख पर वो टैक्स का निर्धारण करते हुए बताया कि अगर 8 लाख पर इनकम टैक्स जोड़ा जाए तो तकरीबन 72,000 रुपये टैक्स की देनदारी बनती है। तो उनका सवाल यही था कि जब 72,000 टैक्स की देनदारी कोई व्यक्ति दे सकता है और जिसकी मासिक आय 66,000 रुपया हो और सालाना आय 8 लाख रुपया हो, क्या उसको हम गरीब कह सकते हैं? तो तेजस्वी ने इस पर भी तेजस्वी का ये सवाल विपक्ष को भी होना चाहिए, कांग्रेस से भी ये सवाल ये करना चाहिए तेजस्वी का। मुख्यतः चूंकि सरकार द्वारा प्रस्तावित है ये आरक्षण, इसलिए भी तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी नीति ये एनडीए सरकार चली आई है। और जहां तक बात रही कि ये एक ऐसा मुद्दा था आशीष की जिसका विरोध करने का जोखिम कोई राजनीतिक दल नहीं ले सकता था, खुद तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं, इसके लागू करने के तौर तरीकों का विरोध करते हैं। और संसद में मताधिकार में भी ये संसद में जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो जो मत विभाजन के बाद जो संख्या सामने आई थी वो सामान्य से जो 2/3 बहुमत जो रिक्वायर्ड होती है या सामान्य से अधिक की जो बहुमत रिक्वायर्ड होती है ऐसे प्रस्तावों को पास करने के लिए, उस बहुमत के आंकड़े पर ही ये प्रस्ताव जो है पारित हो गया। तो इस तरह से इसको सर्वदलीय समर्थन भी नहीं कहा जा सकता है, न किसी दल का इस के प्रति कोई विशेष अनुराग या द्वेष वाली बात कही जा सकती है। तो ये थी आज की इस सभा की हमारी खास खबरें। और ईडी में जैसा कि हमने आपको बताया कि आईएनएक्स मामले में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की भी पेशी हुई है और रॉबर्ट वाड्रा को भी आज दोबारा से बुलाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है सबरीमाला विवाद में जहां 10 से 50 वर्ष के बीच की रजस्वला स्त्रियों को भगवान अयप्पा के दर्शन की अनुमति नहीं थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ तकरीबन दायर 54 विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो जैसे जैसे हम तक ये अपडेट आती जाएगी आज दिन की हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। और हमारी ये कोशिश अगर हमारे दर्शकों को पसंद आ रही है तो हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि News 24/7 इंटरटेनमेंट के हमारे लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद हैं वहाँ हमारे लिंक को साझा करें ताकि हमारी पहुँच बड़े दर्शक वर्ग तक हो सके। धन्यवाद।